पहले बताओ बज कितना रहा है? 12:05 कम है, ऐसे में पहले बताओ बज कितना रहा है? 12:05 कम है, ऐसे में नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की। रश्मि देसाई की अगर बात करें तो छोटे पर्दे पर काफी ज्यादा लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है रश्मि देसाई। रश्मि देसाई की अगर बात करें तो बिग बॉस जैसे फेमस रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शहनाज गिल के बीच में लव ट्रायंगल बनाने वाली रश्मि देसाई को बिग बॉस से काफी ज्यादा फेम मिला। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रश्मि देसाई भरी पार्टी से बिना कुछ कहे भाग निकली? ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रश्मि देसाई मीडिया के सामने ये पूछकर भागती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार टाइम क्या हुआ है। और अब इसके बाद फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रश्मि देसाई भरी पार्टी से सब कुछ बीच में छोड़ छाड़ कर भागने के लिए मजबूर हो गई। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रश्मि देसाई फेमस सिंगर नेहा भजन के बर्थडे बैश पार्टी में गई थी। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि रश्मि देसाई आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, तो इस पर रश्मि देसाई अपना सवाल पूछती है कि टाइम क्या हुआ। एक रिपोर्टर जैसे ही जवाब देता है 12 बज गए तो रश्मि देसाई कहती है प्लीज मुझे जाने दो बहुत लेट हो गया। दरअसल यहाँ पर रश्मि देसाई का मतलब था कि वो नेहा बच्चन के बर्थडे पार्टी में आई थी और वो 12 बजने से पहले नेहा को बर्थडे विश करना चाहती थी। और यही वजह थी कि जैसे उन्हें पता चला कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं तो रश्मि देसाई वहां से भाग खड़ी हुई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि रश्मि देसाई आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहले बताओ बज कितना रहा है? 12:05 कम है, ऐसे में।